नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज बहुत खुशी की बात है और मज़ेदार बात है कि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा कमेंट किए कि सर मुझे 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाओ तो मैं आपको बता दूं, मैं स्पेशली केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब केमिस्ट्री स्पेशल रूप से केमिस्ट्री 11th, 12th और बीएससी एमएससी का जो है मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे का जो है डिमांड ये आया कि सर आप जो है अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते तो मैथ भी आप अच्छा पढ़ाते होंगे। हम बोले भाई ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो है त्रिकोणोमेट्री जो होता है उनका आज हम आपको थ्योरी पहले पढ़ाएंगे। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है क्लास 10th का, देखो भैया वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। अगर किसी भी लेक्चर पर वीडियो चाहिए, चाहे मैथ पे, चाहे फिजिक्स पे, चाहे केमिस्ट्री पे या कोई टॉपिक पे, तो कमेंट करिएगा। तो बच्चे सबका डिमांड पे ही हम वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, तो मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा। लेकिन ये ट्रायल वीडियो है, अगर आप लोग को ये चीज़ आपको समझ में आ जाए तो शुरू से अंत तक देखिएगा और एकदम तुलना कीजिएगा कि कैसा मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10th का ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th का जो है मैथ्स है और इस मैथ्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। अब पढ़ने क्या वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको साथियों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिए। और यह त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है, ऐसा नहीं कि 10th में पढ़ लिए तो कमाल हो जाएगा, नहीं। आपको 10th क्लास में अगर आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, 15 मार्क्स का जो है ना फिक्स है, आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। यानी अगर ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति आपका ठीक ठाक है, अच्छा है, तो मैथमेटिक्स में स्कोर करने के लिए आपका बहुत बढ़िया, समझ गए। 15 मार्क्स ये आपका फिक्स रहता है लगभग, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है पूरा एकदम। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हम आपको पढ़ाएंगे। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे, पर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 8.1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। लेकिन आज थ्योरी पहले पढ़ लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये वही ट्रिगोनोमेट्री है, जब आप 11th 12th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे तो आप मैथ या साइंस रखोगे, है ना, मैथ रखोगे या कोई बायो रखता है। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो मैथ रखेंगे 11th या 12th में, तो याद रखिएगा वहाँ पर उनका बेस के रूप में यही काम आएगा, वहाँ पर बेस में ट्रिगोनोमेट्री ही काम आएगा। यानी बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ जरूरी है। आज हम आपको इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि वहाँ भी आपको ये जो है जरूरी है, वहाँ आपको ये काम लगेंगे, समझ गए। उसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, समझ गए। चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति को। और आपको ये इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इनका क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप जो है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया है, याद रखना, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, आप इसको याद रखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप है। और इसमें आप लोग जुड़ जाइए इस ग्रुप में, और हम इनका पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर देंगे। या नहीं तो अगर किन्हीं को मान लीजिए इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कहेगा 62 073 21 124, ये मेरा नंबर है, कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा नंबर है, ऑफिस का नंबर नहीं है, ये मेरा नंबर है। आप मेरे को कहोगे, मैसेज करोगे तो मैं आपको इस पर भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए इनको पूरा डिलीट कर देते हैं और हम लोग एक तरफ से समझते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप देखिए, रोकना नहीं है भाई, रुको ना। अब देखो ये जो ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, यह जो है ना ग्रीक शब्द जो है इनका, याद रखिएगा ये जो है ग्रीक शब्द एक चलता है। जैसे हम लोग का इंडिया में हिंदी इंग्लिश चलता है ना, उसी तरह यूनान देश है, ग्रीस देश है, वहां पर चलता है ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा। वहां पर क्या चलता है भैया? ग्रीक शब्द चलता है, ग्रीक भाषा चलता है। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, ये ग्रीक शब्द है। अब इनका मतलब क्या होता है? जब इनको आप संधि विच्छेद करेंगे ग्रीक शब्द में तो हो जाता है ट्रिगोन प्लस मेट्री, यानी त्रिकोण मतलब हो गया क्या? त्रिभुज, ट्रायंगल। क्या होता है भैया? ट्रायंगल। इसका मतलब वहां ग्रीक वर्ड में समझा रहा हूं, इसका मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और मेट्री का होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब हुआ साथियों मापन, यानी त्रिभुज की माप, है ना। ग्रीक शब्द यही बताता है, त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है त्रिभुज की माप, यानी हम लोग जो ट्रायंगल होता है, ये जो त्रिभुज होता है, इस तरह का त्रिभुज होता है, हम आपको दिखाएंगे ये त्रिभुज कैसा कैसा। ये देखो, ये मेरा ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना, इस तरह का हम आपको दिखाएंगे। और शेप सब नहीं है क्या? इस तरह का ये त्रिभुज बना रहता है, इसमें ये कोण होता है, ये साइड होता है। अभी देखिए ना आगे बहुत अच्छा से हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, इन त्रिभुज का मेजरमेंट होता है एंगल का, साइड का, तो क्या होगा उनके बारे में ये ट्रिगोनोमेट्री मेरे हम लोगों को बताता है। अब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना क्या है, तो अब जब इसको हम संधि विच्छेद हम लोग अपने नियम से करते हैं, ट्री प्लस गो प्लस मेट्री ऐसे पढ़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ट्री मतलब होता है तीन, है ना, गोन मतलब हुआ एंगल, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट। यानी समझ रहे हैं साथियों, तीन को एंगल का जो मेजरमेंट है, मापन है, वो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। लेकिन नहीं सर, यहाँ आपको पूरा त्रिभुज के बारे में आपको समझना होगा। इसके बारे में समझना होगा, सभी लोगों को त्रिभुज के बारे में समझना होगा। चलिए शुरुआत करें त्रिभुज के बारे में। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। नाम दे दिए इनका, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो देखो भैया, जब दो रेखाओं से घिरा क्षेत्र जो बनता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, जैसे देखो ना, एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, इनके बीच जो बना वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एंगल बन रहा है सर, एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है ना। तो त्रिभुज में तीन गो एंगल होता है। त्रिभुज में क्या क्या होता है कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? बोलना त्रिभुज में तीन एंगल होता है, यानी तीन कोण होते हैं। अब देखो ये जो हमारा है, ये हमारा साइड है, इसको मान लिया हम स्मॉल ए, ये मेरा साइड है, साइड मतलब होता है भुजा, ये अभी खाने वाला भुजा की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये हमारा होता है सी। यानी त्रिभुज में अगर कोई पूछेगा क्या क्या होता है बच्चा बताओ, तो कहना कि त्रिभुज में याद रखिएगा तीन कोण होता है। कोण कितना होता है साथियों? तो कोण यानी एंगल कितना होता है? तो एंगल होता है 3, तीन कोण होता है। अगर कोई पूछेगा बताओ भुजा कितना होता है, भुजा यानी साइड कितने होते हैं, तो आप साइड भी बोलेंगे कितना? 3। तो यहाँ पर इनको लिखने का क्या सही तरीका है? तो हमारा जो यहाँ पर ये ए बी सी है, ये मेरा कोण है, एंगल है, एंगल माने कोण। और ये जो हमारा ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ये हमारा साइड है, साइड माने भुजा, साइड माने भुजा। हाँ समझ रहे हैं, साइड मतलब क्या? भुजा। इसी को एंगल के रूप में ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे ऐसे याद रखिएगा। ये एंगल ए का संकेत है, ये एंगल बी का, और ये एंगल सी का, इसको एंगल कहते हैं। त्रिभुज में समझ में आएगी बात? इतना बात क्लियर है। इन्हीं को हम लोग त्रिभुज के पैरामीटर भी आप बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ट्रायंगल के पैरामीटर होते हैं, जो तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होते हैं, ये त्रिभुज का। लेकिन सर जी जब त्रिभुज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो त्रिभुज को हम लोग शॉर्ट में जब लिखेंगे तो इस तरह का इसका शॉर्ट ऐसे लिखेंगे। या जैसे मान लो हमको लिखना त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज कर दिए एबीसी, इसका मतलब हुआ एबीसी एक त्रिभुज है। अगर हमको मान लो ऐसे करके डीईएफ लिख दिए, DEF लिख दिए, तो इसका मतलब हुआ कि तीन को हमारा जो है ना तीन साइड है, DEF एक त्रिभुज है जिसका नाम है DEF, नाम हो गया। तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे तो समझ जाना ये त्रिभुज है। क्लियर है? अब आइए त्रिभुज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल माना क्या, त्रिभुज, और इस त्रिभुज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे इनको दो तरीके से। बड़ा एकदम मजेदार चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक, कोशिश कर रहे हैं एकदम जितना सिंपल में हो आप सीख जाएं। जो बच्चे नए भी हैं, जो जानते भी पढ़े लिखे नहीं होंगे वो भी सीख जाएंगे अगर अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा तो। एक हम लोग वर्गीकरण करेंगे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर हम लोग कर लेंगे। और दूसरा कहता है कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। यानी हम लोग कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर भी हम लोग वर्गीकरण करेंगे। दो तरीके से त्रिभुज का वर्गीकरण करने वाले हैं सर। एक वर्गीकरण हम लोग किसके अकॉर्डिंग करें, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर याद रखिएगा, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी ये भुजा, ये एबीसी हम त्रिभुज मान लिए, और अगर तीनों भुजा सर जी बराबर है, त्रिभुज की तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तो इनको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल लिख दी। ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम लोग कहेंगे, इनमें सभी भुजा बराबर है, याद रखिएगा, सब भुजा बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर AC, अगर तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा मतलब ई लंबाई, ई लंबाई और ई लंबाई इंची टेप से नाप लिए, तीनों बराबर हो गया, हाँ खुशी की बात हो गया, अरे भैया ये तो समबाहु त्रिभुज है, अरे तीनों भुजा बराबर है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा बात आप ये कह सकते हैं, एक ऐसा त्रिभुज लीजिए सर, एक ऐसा त्रिभुज लीजिए, जैसे ये देखिए दूसरा नंबर यहां पर बता रहा हूं, जिसकी दो भुजा बराबर है, हाँ जिसका ये भुजा और ये भुजा दो, मान लो इसको DEF, और यहां पर दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है, यानी यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपका है DE बराबर क्या है, DF है ना, दो भुजा बराबर है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी भैया इसको अगर संधि विच्छेद, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा, जिसमें दो भुजा बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा पॉइंट भी यहां समझ जाते हैं, अगर त्रिभुज की ऐसे बना दीजिए जिसमें तीनों कोण ABC है, तीनों साइड बराबर ना हो, AB भी बराबर ना हो, हाँ BC भी बराबर ना हो और AC भी बराबर ना हो, तीनों भुजा अगर बराबर नहीं है, उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो बताइए त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर कितने प्रकार, तीन प्रकार, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु दो भुजा बराबर, और विषम बाहु मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होगा। तो बताओ भुजा के आधार पर वर्गीकरण समझ में आया। अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु, दो भुजा बराबर है समद्विबाहु, अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है। अब आते हैं कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। देखिए ध्यान से, अब हम लोग वर्गीकरण करेंगे सर जी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोण के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहला आता है न्यून कोण। क्या आता भैया, न्यून कोण, याद रखिएगा, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। क्या बोलोगे, न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट एंगल। और ये जो सर जी एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण, याद रखिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण जो है ना 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। एगो त्रिभुज बनाइए एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दिए, नामकरण कर दिए, ये त्रिभुज हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का नाम दे दिया। हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी सी। अब इन ए बी सी त्रिभुज में इसको मान लिया जाए 50 डिग्री, इसको मान लिया जाए 60 डिग्री। हाँ, और एक बात और जानिए, त्रिभुज के तीनों कोण का जो योगफल 180 डिग्री होता है, ये बात को भी गांठ मान लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योग जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये हमारा 110 हुआ, ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसमें सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से छोटा है ना, तो 90 डिग्री से छोटा कोण रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ आ रही बात? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमको समझना पड़ेगा और ट्रिगोनमेट्री में सर जी यही काम आता है। का समकोण, समकोण त्रिभुज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल लिख दिए, समझ जाना, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, समकोण उसको बोलेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसे बना लो, ऐसे देखो भैया, ये हमारा त्रिभुज बना और इसका एक कोण 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री हो गया। जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसी को समकोण कहते हैं, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसी को समकोण बोलते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक क्या बोलेंगे, बोलो भैया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। एक कोण कितना हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे मान लो भैया, हम ये कोण को है, ये कोण तो छोटा हो जाएगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे ऐसे। ये कोण जो है मान लो 120 डिग्री है, तो एक कोण क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो अभी आपने देख लिया त्रिभुज का वर्गीकरण, देख लिया कि दो प्रकार से त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, लेकिन हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्या है? समकोण के बारे में समझना। हाँ, जो समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं समझ पाते हैं उन्हीं का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा, फिर से समकोण त्रिभुज को एक बार जरूर देख लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, पूरा एकदम अच्छा से समझिएगा, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। इस तरह का हम एक एंगल बना लिए ट्रायंगल, इसका एक कोण क्या कर दिए? 90 डिग्री कर दिए। क्लियर है। अब समकोण त्रिभुज की विशेषताएं जानो, जो हमको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में यूज करना है, त्रिकोणमिति में हम लोग को प्रयोग करना है उस बात को, कि जो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। याद रखिएगा, समकोण पॉइंट बना के, समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। समझ रहे हैं? याद रखिएगा 90 डिग्री, जैसे मान लो ऐसे भी अगर हम ट्रायंगल बना दिए ना, ऐसे भी बना दिए ना, ये 90 डिग्री, तो इसका सामने का ये जो होगा ये हमारा कर्ण होगा, और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, यानी एच से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एच। त्रिभुज में तीन चीज आपको होगा, एक कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अब लंब और आधार बदल सकते हैं, लंब और आधार बदल सकते हैं। याद रखिएगा, ये त्रिकोणमिति का प्रयोग वहीं करिएगा जहां समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो ये इसमें तीन चीज होता है। अब यहां देखो भैया, इसमें एंगल फिक्स करना पड़ता है। एक चीज तो इसमें फिक्स है कि इसका एच नहीं बदलेगा। जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ए बी सी हो गया, तो ये फिक्स है, ये एच है, बदलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी भुजा एच होगा, वो कभी नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। अब यहां एंगल दो बच गया, दो एंगल बच गया, एक एंगल ये बच गया, एक एंगल ये बच गया। अगर इस एंगल को फिक्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के अलावे जो एंगल को हम लोग फिक्स करते हैं, एकदम फिक्स करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, उसके सामने वाला सीधे देखेंगे, सीधे इसके तरफ, वो कहेंगे ये तो लंब है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि आगे आएगा पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस साहब ये चीज बात बता रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और जो एंगल को आप फिक्स करिएगा उस एंगल के सामने देखिएगा तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब को पी से डिनोट करते हैं, और जो बच गया उसको आप बेस बोलिए, बेस मतलब बी। तो बताइए त्रिभुज में तीन चीज हो गया, पी, एच और बी। पी मतलब लंब, हाँ, एच मतलब कर्ण और बी मतलब आधार। इंग्लिशों में लिख देते हैं सर, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनस, ये हुआ क्या, बेस। क्लियर है, तीन चीज होता है। अब आप कहिएगा सर अगर एंगल हम बदल ले तब, वो भी काम हो सकता है। अगर एंगल आप सर जी बदल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल बदलिए लीजिएगा तो कितने बदलिएगा। ए बी सी आपका एक त्रिभुज है, ए बी सी आपका क्या है, एक त्रिभुज है, और इसमें क्या कर रहे हैं, ये तो 90 डिग्री है, ये है, तो कर्ण होगा, ही फिक्स है, कर्ण होगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे, मतलब हमारा करण जो है, यानी कर्ण, करण ने बोले कर्ण, ये हमारा फिक्स है, ये जो हमारा है ये सबसे बड़ी भुजा होगी, ये फिक्स है। लेकिन अगर इसको अगर हम मान लेते हैं सर जी न्यून कोण और इसको फिक्स करते हैं, तो इसके सामने में जो आएगा उसको तब परपेंडिकुलर कहेंगे और उसको बी कहेंगे, बेस, जो बच जाएगा। यही आप बात को समझ जाइए, ये समझ गए ना, ये दो कॉन्सेप्ट चुटकी में हल हो जाएगा, चुटकी बजाते आप सॉल्व कर दोगे। बताओ भैया क्लियर है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जिसको एच से डिनोट करते हैं, हाँ, उसके बाद लंब और बेस वो कोण के आधार पर होता है, जो कोण आप लेते हैं, अगर जो कोण फिक्स करते हैं उसके सामने जो होगा, उसके सामने जो होगा उसको आप क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको आप क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, बी बोलेंगे। क्लियर है। और कुछ एक बात याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है सर, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये एक कोण 90 डिग्री होगा, आए सबसे बड़ी भुजा ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब इसके अकॉर्डिंग, और ये हमारा हो गया आधार। इसको लिखेंगे ऐसे, ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा H हो गया। तो पाइथागोरस कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का जो आप स्क्वायर करोगे वो दो भुजा के योग के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर, ध्यान दीजिए भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यही बात बोलता है कौन, ये साहब पाइथागोरस साहब यही बात बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब एच, एच का स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर, लंब को हम लोग क्या माने हैं पी और प्लस इसको बोलेंगे बी। तो यही हुआ पाइथागोरस थ्योरम, याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोर बी स्क्वायर। अब यहां से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, अगर पी स्क्वायर बराबर निकालना चाहते हैं या सिंपली यहाँ एच बराबर निकालना चाहते हैं, इधर रूट लगा दीजिए, हाँ, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब यहाँ पी स्क्वायर निकालते हैं तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, अगर आप यहाँ से बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। समझ गए, यहाँ पर आपको कुछ बातें भी याद रखना पड़ेगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, नया 10th में गए हैं, तो आप एक का स्क्वायर मतलब भले एक गुना एक, एक का स्क्वायर एक, भले ये सब याद करे पड़ता हो। दो का स्क्वायर कितने, चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, चार चौके 16, पांच का स्क्वायर 25, ये सब याद रखना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, समझ रहे हैं, तब आपको ये सब बनेगा, हाँ, वर्गमूल सब समझ। यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं, तब हम आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन पर लेकर आएंगे। ये थ्योरी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है पी बराबर दिया हुआ 3, अब बी बराबर दिया हुआ है 4, अब बोला कि एच बराबर क्या होगा, व्हाट। अरे भैया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पाइथागोरस को याद करिए, पाइथागोरस ने आपको बता के गया था कि नुनू एच स्क्वायर बराबर करना पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। कर दे बच्चा, एच स्क्वायर बराबर क्या करोगे पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब की भले थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब की भले चार के स्क्वायर। अब देखो तीन के स्क्वायर मतलब भले तीन, तीन का दो बार गुना, तीन तिया नौ, और चार के स्क्वायर मतलब भले 16। तो बताओ भाई यहाँ पर आपका क्या हो निकल रहा है, एच स्क्वायर बराबर हो रहा है 16×9=25। एच बराबर लिखेंगे तो इधर आएगा रूट में 25, तो देखो 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5×5, तो दो में से एक बाहर हो जाएगा, यानी एच का मान आपका क्या निकलेगा 5। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तब हम लोग 8.1 का एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। साथियों बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना, तब और वीडियो बनाएंगे अगर कोई वीडियो कहोगे तो। लेकिन मैं फिर भी लास्ट बोल रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैथमेटिक्स अब कैसा पढ़ाए नहीं पढ़ाए वो तो आप पे डिसाइड है, आप बताओगे कैसा रहा नहीं रहा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।